कोरोना काल में जब मानवीय मूल्यों का पूरी तरह अवमूल्यन हो चुका हो, ऐसे में टीकमगढ़ जिले में घटी एक घटना समाज में मानवीय संवेदनाओं के जीवित होने को प्रमाणित करती है। टीकमगढ़ के जतारा नगर में एक राहगीर राह चलते बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद तत्काल लोगों ने सरकारी एम्बुलेंस को फोन किया, किंतु जब समय पर एम्बुलेंस आती दिखाई नहीं दी तो नगर के ही कुछ युवाओं ने तुरंत सड़क पर बेहोश पड़े व्यक्ति को उठाया और लोगों की मदद से हाथ ठेले पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मरीज की हाथ ठेले पर ही जांच पड़ताल की और फिर मरीज को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अब मरीज की हालत ठीक बताई जा रही है। को घटिया मोहल्ले से ठेले पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, क्या वो आपका परिचित था? कोई नहीं, परिचित नहीं था। फिर आप लोगों ने ये काम किया? वो मानवता के नाते वो उसको यहाँ अस्पताल लेकर आए हैं ठेले से, उसको कोई 108 को फोन लगाया तो गाड़ी नहीं मिली है, इसीलिए उसको ठेले से धड़का कर स्वास्थ्य केंद्र जतारा अस्पताल लेकर आए हैं। उनके परिजनों से आपकी बातचीत हुई? परिजन वालों से बात हुई है तो बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, फोन लगा दिया उसको, अस्पताल में चल रहा है। तो उसको यहाँ अस्पताल कौन लेके आया? अज्ञात पुरुष था, उसको बजरंग दल के कुछ लड़के उसको ढेले पर रख के ले आते, क्योंकि उनका ये कहना था कि एम्बुलेंस आई नहीं बुलाने पे भी, उसकी स्थिति काफ़ी सीरियस थी उसकी, यदि वो पड़ा रहता तो वहाँ ख़त्म हो जाता। तो लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो और ठीक है, वो उसकी दवाई वही चल रही है, सही है। इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें सामने आती हैं। पहली तो फोन करने के बाद एम्बुलेंस का मौके पर नहीं पहुंचना सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोलती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कोरोना काल में आदमी आदमी को जहां हाथ लगाने से भी भय खा रहा हो, वहां इन युवाओं के साहस की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है कि एक अनजान व्यक्ति को उन्होंने समय पर अस्पताल पहुँचा कर उसकी जान बचाई। बुंदेली तर्कश के लिए टीकमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।